हेलो गाइस, दिस इज ए सूरज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरोट किंग 3 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंडियन रिग्नेट पैरोट होते हैं और जो अलेक्जेंड्रियन पैरोट होते हैं, तो इनके बेबी पैरोट काफ़ी रिसर्च करने के बाद दोस्तों हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि जो इसका बेबी पैरोट होता है तो इनके सीजन में हमें क्या क्या फल देना चाहिए। तो आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो अनेक तरह के फल हम इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और एक शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम आज बताएंगे आप लोगों को कि अलेक्जेंड्रियन पैरोट है और अगर यदि आपके पास इंडियन रिग्नेट पैरोट है तो आप उसे क्या क्या खिलाएंगे जो आपका पैरोट हो वो बिल्कुल अच्छा से मतलब सेफ्टी रहेगा, और उसका बेबी पैरोट को किस तरह से खिलाना चाहिए आज मैं आप लोग को सभी चीज़ के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी है पर आप लोग वीडियो को स्किप मत करके मत देखिएगा, वीडियो को शुरुआत से एंड तक वॉच जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चार पॉइंट बात करने वाला है जो बहुत पैरोट से लेकर महत्वपूर्ण पॉइंट होगी। तो जो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से कि भाई अगर यदि आप भी एक पैरोट पालते हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और अच्छे लगे तब वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। चलो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर यदि आपका पैरोट इंडिया रिग्नेट पैरोट लेते हैं और अगर यदि आपका पास अगर यदि ये पैरोट है अभी लेबल और अगर यदि इसका आप चाहते हैं कि आप इसका बेबी पैरोट को हम क्या खिलाएं, तो देखो सिंपली बात ये होती है यहाँ पे, अभी जब तक आपका पैरोट का मतलब सिर पर अच्छा से इस तरह से बाल नहीं आ जाता है तब तक के लिए आप लोग उसे नोकीला चीज़ ना खिलाएं। जैसे मेरे कहने का मतलब नोकीला जैसे बैर हो गया, जैसे अन्य जैसे फल हो गया, उससे अभी नहीं खिलाना चाहिए। और आप खिलाना भी चाहते हैं तो इस तरह से खिलाइए जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर यदि आप चाहते हैं कि आप उसे खिलाएँ तो आप क्या कीजिए, आपके घर में मिक्सर होंगे या तो कुछ, उससे अच्छा से इसे पीस लीजिएगा और पीसने के बाद सोरोलैक्स में जो वॉलपिन टाइप का जो आता है इतना बड़ा रबड़ और इंजेक्शन से आप उसे अच्छा अच्छा से खिलाइएगा तो आपके आराम से वो खाएगा, ठीक है। और जब वो खाएगा तब उसका पाचन तंत्र अच्छा से रहेगा, ठीक है, तब वो आपका पैरोट अच्छा सेफ्टी रहेगा, उसके जल्दी जल्दी फैदर आएंगे उसके बाल पर। और अगर यदि आपका पैरोट अगर यदि 49 से 50 दिन का हो गया है तब तो आपका पैरोट जल्दी से सीख जाएगा खाने के लिए, बस उसे थोड़ा थोड़ा ध्यान दो और उस पर थोड़ा थोड़ा अच्छा से केयर करो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं कि जो ये पैरोट होता है ये हमें पैरोट कितने दिन का अधिक से अधिकतर लेना चाहिए जो ये पैरोट अच्छा से टॉकिंग करे या बोले। अगर यदि आप बच्चे से लेते हो तो मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ ये बात को, आप लोग अच्छे से समझ लेना। अगर यदि आप ये पैरोट लेना चाहते हो ना तो आप 37 से 38 दिन का पैरोट लीजिए, ये पैरोट काफ़ी छोटा होता है, इसे मरने का ज़्यादा चांस रहता है ना, तो इसे आप लीजिए 40 दिन का लीजिए आराम से, उससे आराम से पालिए उसको, सोरोलैक्स खिलाइए और चना को थोड़ा थोड़ा मतलब पीस पीस कर इसे खिलाइए। हमारे सबसे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि जो इंडिया मतलब अलेक्जेंड्रियन पैरोट का बेबी मैंने लाया था उसको मैंने इसी तरह से खिला रहा था और उनके पीछे मैंने काफ़ी पैसे भी खर्च किए हैं। और अभी हम YouTube पर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए टिप्स देने के लिए दोस्तों, और अभी तक हमें सफलता पूरा अच्छा से नहीं मिला है। तो आप लोग जरूर जल्द से जल्द एक वीडियो को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस पैरोट किंग 3 को, जिनकी ओर से और अच्छा वीडियो आप लोग के लाए पाए और आप लोग के लिए अच्छा अच्छा वीडियो बनाए। क्या आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरे वीडियो का क्वालिटी कैसा लगता है और मैं अच्छे से समझा पाता हूँ, ये आप लोग कमेंट करके साथ साथ में बता दीजिएगा क्योंकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं कि जो अगर यदि हम अलेक्जेंड्रियन पैरोट लेंगे तो ये मुझे कितना दिन तक लेना चाहिए, देखो कितना दिन का लेना चाहिए, ठीक है। अगर यदि अलेक्जेंड्रियन पैरोट लेना चाहते हैं तो आप 28 से 29 दिन का ले लीजिए और अच्छा से सोरोलैक्स खिलाइए, चना को अच्छा से मतलब पीस कर खिलाइए, उसे पानी भी पिलाइए और उसे आराम से जल्द जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगेगा तब आप उसे उस तरह से खिला सकते हैं। और अगर यदि आप चाहते हैं कि ये पैरोट बड़ा होकर टॉकिंग करे तो अच्छा से टॉकिंग करता है, उसके लिए आप लोग नींद फिकिर रहिए, ठीक है। तो आज की मेरे कहने का मतलब अगर यदि यही था दोस्तों, अगर आपके पास पैरोट है तो आप उसे अच्छा से ट्रेन कीजिए एक रूम के अंदर में। और यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारे फल को यहाँ पे लगाया हुआ हूँ, ये सारे फल को मैं अपने पैरोट के लिए खिलाता हूँ और जल्द मैं इस पैरोट को ट्रेन करने वाला हूँ उड़ने के लिए, और जल्द ये पैरोट उड़ते उड़ते मेरे घर तक आएगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यही समझाने वाला था और आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को सेट पर क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही था। और आज 22 जनवरी है, राम मंदिर अयोध्या की उद्घाटन होने वाली है, तो आप लोग फटाक फटाक से इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और फटाक से लिख दीजिए जय श्री राम।
और मेरा कहने का मतलब यही था, समझ गए होंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब।